नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम लैपटॉप की रैम को कैसे ठीक कर सकते हैं और डेस्कटॉप की रैम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सभी ने सबसे पहले अपने पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रखना है। ये अल्कोहल है, इससे हम रैम को साफ़ करते हैं। तो सभी ने ध्यान से देखना कैसे साफ़ करते हैं और क्या तरीका होता है। सबसे पहले आपने इस अल्कोहल को इनके ऊपर फेंकना है। उसके बाद आपने इसको ब्रश से साफ करना है। प्यार से करना है, धीरे धीरे। जिससे इनका जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो आपकी रैम चल जाती है। ये मार्केट में 1,500 रुपये की आती है, आपका 1,500 रुपये का नुकसान होने से बच जाता है। अब हमने इसको उल्टा करना है, एक तरफ का साफ कर लिया हमने। अब हमें दूसरी तरफ इसमें अल्कोहल डालना है। और फिर इसको साफ करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, कपड़े को गीला करना है इससे अल्कोहल से। उसके बाद आपने इसकी आगे वाली जो होती है इसको साफ करते हैं। ये जो आपको कॉपर सा दिख रहा है इसको आपने साफ करना है। जहाँ पर आपको दिख रहा है कि गंदगी दिख रही है इसकी, जैसे दाग पड़े होते हैं, तो इसको देखा है आपने, ये चमक गया है। तो साफ करने के बाद इसको आप यहाँ रख सकते हैं, फिर दूसरी साफ करनी है। ये लैपटॉप की है, लैपटॉप की भी ऐसे ही साफ करते हैं। इसके बाद हम इसको साफ करते हैं। ये देखा आपने कितनी डस्ट निकली है इसमें, कितना मॉइस्चर निकला है। अगर आपने, हो सकता है आपकी कंप्यूटर की रैम ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने सीखा कि हम कैसे अपनी रैम को ठीक करते हैं। इसके बाद इसको सुखाना है, ना कि इसको आपने डायरेक्ट लगाना है। इसके बाद आपने पंखा चलाना है। जब तक ये सूख ना जाए तब तक आपने इसको लगाना नहीं है। आपने इसको धूप में रखना है या अपने पंखे से सुखाना है, उसके बाद ही इसको अपने कंप्यूटर में लगाना है। नहीं तो आप ना लगाएं, ये ना हो आपकी रैम की वजह से आपका बोर्ड भी ख़राब हो जाए। गीली आपने बिल्कुल नहीं लगानी है और इसको केयर करके रखना, साफ़ जगह रखना है, जिससे ये, क्योंकि आप गंदगी में रखते हैं तो ये मॉइस्चर ऑटोमेटिक पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम लैपटॉप की रैम और डेस्कटॉप की रैम को साफ़ करते हैं, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं बिना किसी इंजीनियर से। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।